बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक आर्टिकल जो है मैंने देखा है आज, वैसे तो पुराना है, 5 दिन हो गए इस आर्टिकल को, तो सोचा जो है आपसे भी शेयर करूं। और वैसे भी काफी दिनों से कोई वीडियो मैंने बनाई। तो अ जाइंट मेमथ ग्रेवयार्ड वाज जस्ट डिस्कवर आउटसाइड मैक्सिको सिटी। एक जाइंट मेमथ ग्रेवयार्ड जो है आउटसाइड मैक्सिको सिटी फाइंड आउट हुआ है। एयरपोर्ट के लिए जगह बन रही थी और उसमें खुदाई के दौरान जो है एक ग्रेवयार्ड मिला, जिसमें 60 मेमथ जो है उनके बोन्स वगैरह मिली। मेमथ क्या होते हैं भाई? अगर आप लोगों ने आइस एज मूवी देखी हो, तो ये जो आपको एलिफेंट नजर आ रहा है, बहुत लंबे टीथ या टस्क कहते हैं बेसिकली, इसके साथ ये बेसिकली कहा जाता है कि आज से कोई 4 मिलियन ईयर्स पहले आइस एज होती थी, और उसमें जो है ये बहुत बड़े साइज के मेमथ जो है वो हुआ करते थे। ठीक है, तो ये आप लोग जो है आइस एज में इस करेक्टर को आपने देखा होगा, और ये आप देख लें कि काफी जो है ये बड़े होते थे और इनकी बोन वगैरह फाइंड आउट हुई है। सही है, तो अगर आप देख लें तो इससे पहले भी ये जो है ये 2002 में पोलैंड के करीब जो है मेमथ का जो अपर स्कल होता है वो फाइंड आउट हुआ था, और आप देख सकते हैं ये हेड है और ये इसके टस्क जो दांत होते हैं। बेसिकली एलिफेंट ही फैमिली से बिलोंग करता है और पहले काफी बड़े बड़े होते थे, और इसकी काफी बोन्स वगैरह पहले भी मिलती आई है। 2002 में मिली है, 2019 में मिली है, और अभी दोबारा जो है ये फाइंड आउट हुआ है मैक्सिको। ज्यादातर पोलैंड वगैरह में हुआ करते थे, और ये बेसिकली कहा जा रहा है कि कोलंबियन मेमथ है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है इस तरह का होता है मेमथ आपके पास। ठीक है, और इससे पहले भी ये जो एक म्यूजियम है कोलंबिया का, वहां पे जो है ये मेमथ रखा हुआ है, और पूरा जो स्कल्स वगैरह से जोड़ के इसको बनाया गया है। और ये कोई कहा जाता है, अगर आप देख लें यहाँ पे एक बंदा भी खड़ा हुआ है, तो कोई सेकंड फ्लोर तक आपको जाना होगा तो इसकी ये हाइट है। ठीक, ये इतने जो है बड़े ये हुआ करते थे, और अभी भी एलिफेंट अगर आप देखें वो भी काफी बड़े होते हैं, लेकिन ये उससे काफी ज्यादा बड़े होते और कोई टनों में इनका वेट हुआ करता था। ठीक है, अगर हम विकिपीडिया देखें तो विकिपीडिया भाई क्या बताता है कि मेमथ या मेमथ हॉर्स जो है वो ये बेसिकली एलिफेंट की ही किस्म थी। आज से 5 मिलियन ईयर तक वो ये हुआ करते थे। बाकी चीजें भी आप पढ़ सकते हैं, इवॉल्व किस तरीके से हुए थे, पूरी इनकी इवोल्यूशन चेन है, उस पर तो अभी बात नहीं कर रहे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, डाइट इनकी हुआ करती थी, डाइट ये वही जो है ट्रीज और जो पत्ते होते थे बड़े वही खाते थे, तो इंसानों वगैरह वो नहीं खा थे। ठीक है, इसी तरीके से इनकी डिफरेंट टाइप है। ये ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली जो है ये कोलंबियन जिसको जो फाइंड आउट हुआ, और ऐसे 60 जो है मेमथ या मेमथॉस जो है फाइंड आउट हुए हैं, और ये आम ह्यूमन की हाइट से इतने ऊंचे। जो मेन इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो इनके टस्क हुआ करते थे, यानी जो इनके दांत थे ये आजकल के हाथी के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़े थे, और कोलंबियन के तो आप देखें तो कुछ ज्यादा ही बड़े होते। ये कोलंबियन का ही स्टैचू है और आप इसके दांत देख सकते। ठीक है जी, तो ये फाइंड आउट हुआ। अब देखते हैं बाकी आर्टिकल में और क्या क्या बातें लिखी हुई है इंपॉर्टेंट। तो 60 मेमथ जो है फाइंड आउट हुए, पूरा ग्रेवयार्ड मिला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री है मैक्सिको में, उन्होंने ये तैयार किया है। एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन हो रही थी उस दौरान, खुदाई के दौरान जो है ये फाइंड आउट हुआ, आप देख सकते हैं बोन वगैरह मिली है। अब इस पे आगे फर्दर और काम होगा, देखा जाएगा ये कार्बन डेटिंग वगैरह होगी कि कितने पुराने हैं। हड्डियों से आपको ये पता चल जाता है कि जो फाइंड आउट हुए कितने पुराने, और आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह यही कह रहे हैं कि शायद ये मड वगैरह में फंस गए हो तो इंसानों ने इनको हंट डाउन किया हो। इससे पहले भी 2002 में एक मेमथ मिला था जिसकी रिब के अंदर जो है जेवलियन, जो आप देखते हैं एक जेवलियन थ्रो भी होती है ऐसे ओलंपिक्स में, लंबी सी रॉड होती है उसके आगे जो है एक नुकीला पीस लगा हुआ होता है बेसिकली, जिससे ये हाथी वगैरह को या आप कह लें मेमथ को मारा गया था, तो उसके रिब्स में वो मिला था 2002 में।
ठीक है जी। तो इस पे फर्दर रिसर्च होगी जिससे पता चलेगा कि भाई ये कितना पुराना है और क्या है, और आइस एज, ये आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों का कितना बिलीव है कि आइस एज हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी। और वैसे तो मैं तो इनको थ्योरी ही मानता हूँ, आप लोग बताइएगा। लेकिन ये इस तरह की बड़ी बड़ी बोन्स मिलना तो ये इस बात की निशानी होती है कि हाँ इतने बड़े बड़े क्रिएचर जो है पहले मौजूद थे, आज से कोई 4 मिलियन ये सारी चीजें मौजूद थी दुनिया में, और उसके बाद ये खत्म हुई, इकोसिस्टम चेंज हुआ दुनिया का शायद क्या कहा, क्योंकि हम बात करते हैं ये आइस एज में थे, या साइंटिस्ट कहते हैं कि ये आइस एज में थे, तो जाहिर है अब आइस एज रही नहीं तो इकोसिस्टम चेंज हुआ, तो ये शायद उसकी वजह से मर गए, या फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मरे हैं। तो आप लोगों को अगर नॉलेज हो तो आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल ये 60, ये बड़ी डिस्कवरी है साइंटिस्ट के लिए, 60 मेमथ की ग्रेव मिलना बड़ी बात होती है, और लोग ये कह रहे हैं कि या तो ये फंस गए होंगे, पूरा जो आप कहते हैं ना कि पूरा रेवड़ निकलता है हाथी का साथ, तो ये भी साथ ही होते होंगे और ये फंस गए होंगे, और वहां पे शायद इंसानों ने इनको हंट कर लिया हो, या फंसे ही रह गए हो ये मड वगैरह में, और उसकी वजह से वहां मर गए हो, और फिर जाहिर है आपका इकोसिस्टम चेंज हुआ और फिर मट्टी वगैरह आती गई और ये शायद नीचे जो है रह गए। ठीक है, तो ये चीज है, आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपकी नॉलेज इसमें कितनी ज्यादा है, और अच्छा होगा कि आप लोग नॉलेज शेयर। तो इतना ही था, एक मैंने आर्टिकल में न्यूज पढ़ी, कुछ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।